भारतीय मूल के कई ऐसे बड़े नाम जो विदेशी कंपनियों में सीईओ की पोस्ट पर हैं, जिनकी सैलरी लाखों करोड़ों रुपए है। हाल ही की बात करें तो ट्विटर के सीईओ के तौर पर पराग अग्रवाल, यानी कि एक और इंडियन, इस पर लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन इन सब के अलावा एक और भारतीय ने इस लिस्ट में धांसू एंट्री मारी है। नाम है जगदीप सिंह। वो बैटरी बनाने वाली अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी क्वांटम स्केप कॉप कंपनी के सीईओ बने हैं और कंपनी ने उन्हें सालाना 70,500 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। अपने सैलरी पैकेज की वजह से वो दुनिया भर में चर्चा में आ गए हैं। खास बात तो यह है कि ये उनका सैलरी पैकेज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क को टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि जगदीप सिंह ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरिन से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। इसलिए उनकी काबिलियत को देखते हुए क्वांटम स्केप कॉप कंपनी की तरफ से 17,500 करोड़ रुपये का पैकेज का ऐलान किया। जगदीप सिंह क्वांटम स्केप कॉप कंपनी के फाउंडर भी हैं। वो पहले साल 2001 से 2009 तक इन्फिनेरा कंपनी के सीईओ रह चुके हैं और साल 2010 में उन्होंने क्वांटम स्केप कॉप कंपनी की नींव रखी। आपको बता दें कि ये कंपनी 50 अरब डॉलर की वैल्यू रखती है। अगर एलन मस्क और जगदीप सिंह के सैलरी पैकेज की बात करें तो एलन मस्क जहां 6.66 अरब डॉलर का पैकेज लेते हैं, तो वहीं जगदीप सिंह 2.30 अरब डॉलर का पैकेज लेते हैं। कुल मिलाकर एक और भारतीय सीईओ की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है, खासकर उनकी सैलरी पैकेज की वजह से। हम भारतीय किसी से भी पीछे नहीं हैं, तो दोस्तों भारतीय सीईओ जगदीप सिंह के लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सकें।